ॐ आर्यमां शयनार्यमातेपेतमच्छन्तो मां पते मम स्वाहा। फिर एक आवती और जनवरे अमाते आगे करके समय अग्नि को ध्यान रख करके नहीं, कन्या को आगे करने और वर को पीछे, आराम से किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि हाथों में कोई परेशानी है तो हथले और पंडित जी अपने पास रख ले और कंठी बंधन हो रहा है चलते रहे, आगे आगे कन्या पीछे पीछे वर, और भगवान का ध्यान लगा के स्मरण करते हुए सब मंगल पाठ करें। जो भी आचार्य करें सब मंगल पाठ करें। चले फेरा पहने के लिए चलिए आपका स्पर्श करके अग्नि में डरवाए ऐसे घूम जाओ आगे के मारे दूसरी भवरिया दो भवर पड़ चुकी है। हाँ अभी हाली तीसरा पेरा वापस कन्या को आगे कर दे, कन्या आगे करके नहीं फिर धीरे धीरे चलते रहे। गजेन्द्र गणाधिपति मम दृष्टि विनायक हस्त तीन भवरिया पड़ चुकी है, तीसरी भवर हो चुकी है, आपकी बेटी बाबुल की है। आओ आओ अग्नि में थोड़ा गीत आओ दो अग्नि में घी डाल करके गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्त मुख। चौथा लड्डू दे ले, चौथा लड्डू दे करके फिर पांच फेरा प्रारंभ करें, शुरू करें उसी क्रम से लड़के को आगे करके चलिए। हरि ओम महा ओम करे कंकर के जटा मुकुट मण माणिक मूर्ति आभरणम गज नील गजेन्द्र गणाधिपति मम कुल। छठा पेरा प्रारंभ करो। ओम करे कंकर के जटा मुकुट मण माणिक मूर्ति आभरणम गज नील गजेन्द्र गणाधिपति मम तुष्टि विनायक हस्त मुखम। छठा लड्डू ले लीजिए, अब छह हो चुके हैं, अब सातवां फेरा लास्ट में है। लास्ट फेरा है अग्नि पुरुष लंकर के साथ का फिर प्रारंभ करें। चलिए हरियाम ये तीर्थानि प्रजरन्ति श्रका हस्तानि गंगेना देखा त्वं सत्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। अपने अपने स्थान पर लड़का लड़की खड़ा करके साथ में लड्डू ले ले और फिर बैठा दे अपने अपने स्थान पर जैसे पहले बैठे थे उसी क्रम से। आदि लड़का लड़की को अपने अपने स्थान पर बैठा दे।
अतिकीय विवाह का कार्य में यहाँ जो भी अभी नाचा हुआ नादी हुआ था मंडप पाती में बैठ कर के अपन ने यहाँ सभी देवताओं का आह्वान किया और पूरी समाज के द्वारा सब साक्षी रूप में हमें विवाह बंधन में बन चुके हो और इस बंधन को निभाने के लिए जीवन की कुछ शर्तें भी होती हैं अपने पास में। ऐसा नहीं कि हमने शादी कर लिया भाई अब हमारा कार्य हो गया अब हम कुछ भी करें चाहे नहीं। अब आपको सबसे बड़ा आपको ग्रस्त जीवन निभाने की चिंता तो आपको अभी मंडप में जो कन्या आपके तायंग में बैठी हुई कमारी संख्या है तो आपको पत्नी के रूप में लेना है क्योंकि कार्य सब संपन्न हो गया है तो पत्नी के रूप में लेने के लिए आपको बामंग में लेना है इनको। तो कन्या कह रही है कि मैं आपके बामंग माना तो स्वीकार करूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें आपके पास में आप उन शर्तों को माने और जीवन भर मेरे किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार आदि ना करें और मेरे से किसी प्रकार के आपके परिवार में कोई गलती भी हो जाए तो कभी मुझे कभी सबके सामने कभी प्रताड़ित ब्राह्मण सबको साक्षी मानकर हम अपने बचनों को निभाने का संकल्प लेते हैं जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख में पूर्ण रूप से सहभागिता निभाने का वचन लेते हैं। खड़े हो जाओ आप दोनों दोनों खड़े हो जाइए आचार्य गण ध्यान दें हथलेवा छुड़वा दे दोनों खड़ा करके हथलेवा छुड़वा दे और दोनों का स्थान परिवर्तन कर दे। अब कन्या को बामंग में बैठा दे कन्या को बामंग में बैठा दे एक दूसरे को बदल करके दे और ये कटोरा में बदल दे और बैठा दे। अब वर पक्ष ध्यान दे सामग्री वो सिंदूर दान आया हुआ सिंदूर आया होगा यदि वो सिंदूर लेकर आए हैं तो ठीक है अन्नता पंडित जी रोड़ी से मान भरवा दे यदि सिंदूर लेके आए हैं वर पक्ष तो सिंदूर दान करवा दे मान भरवाए अन्नता पंडित जी अपने पास में जो भी सिंदूर है रोड़ी है उसे वर अंगूठी या कोई सिक्का दे लेकर के या भगवान विष्णु मंगल करुण ध्वज मंगल पुण्यकाक्ष मंगलाय करो हरि ओम श्री वत्सस्य महिमाय धनं भवपुत्रणं दीर्घमायुः सदा शतं महा तथो सिंदूर दान हो सिंदूर का दान करके भी मान भरवा दे। सभी आचार्यगण सिंदूर दान कराने के बाद में और फिर ध्यान दें वर पक्ष का जो भी कोई व्यक्ति गोद भरवा दे गोद का सामान को लेके आया हो तो ठीक है अन्यथा कोई फल हो पैसे लेकर के गोद भरवा दे। भगवान राधा कृष्ण तथा सीताराम आदि की जोड़ी के द्वारा यहाँ सभी वर वधु इतने प्रफुल्लित आदि और सब समाज का उनको आशीर्वाद प्राप्त है तो भगवान की कृपा इसी प्रकार जीवन में बरसती रहे और पूरे जीवन प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो किसी भी बड़े बुजुर्ग से घर में दूध भरवा ले आशीर्वाद ले। कस्तूरी तिल कंदला